हाय एवरीवन दिस इज़ वनिका आज का टॉपिक हमारे डिस्कशन का ब्लैक पर्चर पे है जिसको कहाँ पे स्पॉट किया गया है शेषाचलम हिल्स में और पहली बार अब ब्लैक पर्चर अगर आप कहें ऐसा नहीं है कि बहुत रेयर कोई ऑर्गेनिज्म है आ, कॉमन है बट इन हिल्स पे इस एरिया में इसको पहली बार देखा गया है इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपकी कोई भी क्वेरी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा बाकी अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं स्टेट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं डिस्काउंट कोड वीरो थ्री थ्री आप यूज़ कर सकते हैं टू गेट थर्टी ऑफ अब देखिए ब्लैक पर्चर साइटेड इन शेषाचलम हिल हिंदू का ये न्यूज़ है प्रिंट मीडिया में अब ड्रैगन फ्लाई स्पीशीज़ जो हैं अगर आप देखेंगे कर्नाटका कोस्टल आंध्र प्रदेश में आपको मिलेंगी ब्लैक पर्चर या फिर इसको ब्लैक ग्राउंड स्किमर भी कहा जाता है साइंटिफिक नेम है डिप्ला कोच ओके okay, ये एक स्पीशीज़ है ड्रैगन फ्लाई की ही स्पीशीज़ है जिस तरह से आप पिक्चर में देख सकते हैं और पहली बार इसको शीर्षाचलम हिल रेंजेज़ में रिसेंटली स्पॉट किया गया अब ये किससे बिलोंग करता है फाइलम आर्थ्रोपोडा तो जिस तरह से फाइलम क्लास ऑर्डर की हम बात करते हैं सो दिस इज काइंड ऑफ आइडेंटी कार्ड फॉर एनी ऑर्गेनिज्म आर्थ्रोपोडा में यूजुअली अगर आप देखेंगे कॉमन uh, लैंग्वेज में बोल लें तो जितने भी इंसेक्ट्स uh, होते हैं आपके वो आर्थ्रोपोडा फाइलम में आते हैं तो ये आर्थ्रोपोडा फाइलम से है क्लास इंसेक्टा ऑर्डर ओडोनाटा ओके अब यहाँ पे शेषाचलम्स हिल्स रेंजेस जो हैं यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं मैप में कि हम इंडिया के किस एरिया की बात यहाँ पे कर रहे हैं ओ इनेश सिद्धार्थ ये एक तिरुपति तिरुपति बेस्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं जिन्होंने इस स्पीशीज़ का फोटो फॉरेस्ट में खींचा और सिटी में भी रिसेंटली इन्होंने इसके पिक्चर्स लिए अगर हम आई की माने इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स रेड लिस्ट जो उनकी थ्रेटिन स्पीशंस की रहती है ये जो ड्रैगन फ्लाई है ब्लैक ग्राउंड स्किमर, इसको 2016 में बोला गया लीस्ट कंसर्न कि इसके बारे में ऐसा कोई ख़तरा नहीं है कि हम इसको वॉलरेबल या किसी कैटेगरी में रखा जाए तो लीस्ट कंसर्न इसको रखा गया और क्योंकि क्यों रखा गया क्योंकि इसकी पॉपुलेशन स्टेबल है यूरेशिया आपका सर्दर्न यूरेशिया पूरे अफ्रीका में काफ़ी ज़्यादा प्रवलेंस है बहुत ज़्यादा वहाँ पे पाई जाती है लेकिन ये इंसेक्ट फॉरेस्ट लोकेशन जो कर्नाटका के हैं या कोस्टल आंध्र प्रदेश में हैं वहाँ पे कभी पहले ज़्यादा नहीं पाया जाता पाया गया था सो दिस अपियर्स की पहला अपियरेंस है इसका शेषाचलम रेंजेज में और इट इज़ नोन टू मूव नियर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स तो इसका एक कैरेक्टर है कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जहाँ पे फॉरेस्ट की स्ट्रीम्स होती हैं उस तरफ ये ज़्यादा जाता है तो इसका मेडन अपियरेंस इन एरिया में माना जा रहा है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जिन्होंने इसका फोटोग्राफ लिया मिस्टर सिद्धार्थ जो हैं मेरिट सर्टिफिकेट उनको रिसेंटली रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में भी चित्तौड़ में दिया गया था क्योंकि ये जो भी फोटोग्राफी uh, करते हैं काफ़ी मीनिंगफुल होती है रेड ड्रैगन फ्लाई पास्ट में ये पिक्चर आप देख सकते हैं तो इसका इन्होंने फोटोज जो खींचे थे क्योंकि किसी एरिया में अगर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो है वो कोई इस तरह की फोटोग्राफी कर रहा है और उसका इकोलॉजिकल एको, इन्वायरमेंटल या रिसर्च बेस्ड में कोई फायदा है तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है अब ब्लैक पर्चर अगर आप देखेंगे जैसे मैंने आपको बताया था कोई रेयर ड्रैगन फ्लाई नहीं है बट इनका मानना है इसका डॉक्यूमेंटेशन क्योंकि एक नई जगह पे मिला है इस स्पीशीज़ के बारे में रिसर्च में और भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अब थोड़ा सा इस ब्लैक पर्चर के बारे में हम जानते हैं या फिर ब्लैक ग्राउंड स्कीमर ये स्पीशीज़ है ड्रैगन फ्लाई की फैमिली है इसकी लिबल यूलीजे और कॉमनली इसको ब्लैक पर्चर भी कहा जाता है कॉमन स्पीशीज़ है नेटिव ओरिजिनली ये अफ्रीका एंड सर्दर्न यूरेशिया से बिलोंग करती है ये जो इंसेक्ट है इसको कर्नाटका कोस्टल आंध्र प्रदेश में अभी देखा जा रहा है और शेषाचलम रेंजेस में इसका पहली बार ये अपीरेंस रहा है शेषाचलम हिल्स के बारे में अगर हम जाने ये हिली रेंजेस हैं ईस्टर्न घाट्स जो आपके आंध्र प्रदेश से गुजरते हैं उसका ये पार्ट हैं 2010 में इसको डेजिग्नेशन दिया गया था बायोसिफेयर रिजर्व का ये जो शेषाचलमन बायोसिफेयर है ये चित्तौड़ और कड़ापा डिस्ट्रिक्स जो हैं आपके वहाँ पे कड़ापा डिस्ट्रिक्स पे फैला हुआ है अब माना जाता है कि जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है प्री कैम्ब्रियन टाइम प्री कैम्ब्रियन टाइम आपका यानी फ़ाइव मिलियन ईयर्स पहले ये रेंजेस जो हैं वो बने होंगे ये रेंजेस में मोस्टली आपको सैंडस्टोन मिलेगा शेल मिलेगा लाइमस्टोन मिलेगा और लॉन्जिट्यूडल वैलीज में ये जो पूरी रेंजेस हैं ये डिवाइडेड हैं अब यहाँ पे आगे पीछे अपलैंड्स हैं रायलसीमा अपलैंड से ये आगे पीछे से घिरा हुआ है वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में इसके मतलब वेस्ट साइड में आपको राय अपलैंड नजर आएंगे नॉर्थ वेस्ट साइड में आपको इसके नजर आएंगे अगेन रायल सीमा अपलैंड लेकिन जो नंदयाल वैली है जो कुंदेरू रिवर से बनी है वो नॉर्थ ईस्ट में आपको नजर आएगी तो अलग अलग आप देख सकते हैं देखिए रायल सीमा है यहाँ पे इसके दो जगह पे वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट पे और नंदयाल वैली आपको नॉर्थ ईस्ट साइड पे नजर आएगी अब तिरुपति जो कि आप जानते ही हैं हिंदू पिलग्रिमेज टाउन है तिरुपति एक और श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क भी इन्हीं रेंजेस में पाए जाते हैं तो ये जगहें अगर तिरुपति हो गया श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क हो गया ये इन्हीं रेंजेज़ में लोकेटेड हैं यहाँ पे बहुत सारे आपके एंडेमिक स्पीशीज़ भी पाए जाते हैं एंडेमिक यानी जो इसी जगह पे एक पर्टिकुलर जोग्रफ़िक लोकेशन पे लोकेटेड हैं जैसे रेड सैंडल्स हो गए सिलेंडर लॉरिस हो गए नेटिव पॉपुलेशन जो इस रिज़र्व की है इसमें ट्राइब्स हैं यानादीज़ ये ट्राइबल पॉपुलेशन भी यहाँ पर पाई जाती है अब ये बात थी इस ब्लैक पर्चर के बारे में जो हमने डिस्कस किया कि शेषाचालम हिल रेंजेस में पहली बार पाया गया अदरवाइज़ भी कुछ स्पीशीज़ रिसेंटली न्यूज़ में रहे हैं ऑल दो मैं इनमें इन पे मैंने ऑलमोस्ट सेपरेट टॉपिक्स भी वीडियोस बनाई हैं बट जस्ट विल रिवाइज दैम सेप्टेम्ब्रेंथस ये जीनस है जो कि एक प्लांट स्पीशीज हॉर्स फील्ड या पे ग्रो करता है पैरासिटिक फ्लारिंग प्लांट्स हैं पैरासिटिक आप समझते हैं कि वह अपने फायदे के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म को यूज करता है इसने अपना रूट स्ट्रक्चर मॉडिफाई किया है और ये दूसरे प्लांट के स्टेम पे आ, पूरा ग्रो करता है एंकर कर लेता है उसकी बाग पे और पैरासाइट की तरह उसके साथ रहता है तो प्रिंट मीडिया में भी आप देख सकते हैं इसके बारे में यहाँ पे लिखा है डिस्कवर्ड फ्रॉम निकोबार आइलैंड्स, निकोबार आइलैंड से इसको डिस्कवर किया गया इसकी अलग से वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी है देखने में आपको अलग सा नज़र आएगा हार्ट शेप इसके प्लांट के लीव्स रहते हैं लॉन्ग टिप रहती है ओवरी फ्रूट सीड्स इसमें पाए जाते हैं इसके बाद मिस केरला इस पर तो हमने अलग से वीडियो बनाया था कि एक्वेरिस्ट और ऑर्नामेंटल फिश ब्रीडर्स जितने भी हैं डेनाइसन बार्ब जिसको मिस केरला कहा जाता है नेटिव फ़िश वाटर फिश, फिश स्पीशीज़ है जो कि कर्नाटका केरला में ऑफ़न uh, पाई जाती है इसको स्कड्यूल वन जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइन्टीन एटी टू में उसमें इंक्लूड किया गया है क्यों किया गया है ये सब हमने दूसरी वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है मिस कैरला के बारे में और यहाँ पे एकवेरस का मानना है कि ये एंडेंजर्ड नहीं है तो कुछ कंट्रोवर्सी थी कि इसको स्कड्यूल वन में इंक्लूड नहीं करना चाहिए इसका सस्टेनेबल अगर आप चाहते हैं एक्वा कल्चर चलता रहे तो बिकॉज ये एंडेंजर्ड नहीं है इसको अपडेट करने की ज़रूरत है इस तरह की डिस्कशन हमने उसमें की थी और देखिए साइंटिफिक नेम इसका है सहयाद्रिया जेनाई सोनी और इसको रेड ब्लैक स्ट्राइप्स में आपको बहुत सुंदर सी फिश ये नज़र आएगी दोनों स्टेट्स केरला कर्नाटका में ये पाई जाती है इस पे भी हमने अलग से न्यूज़ पूरा वीडियो लेक्चर बनाया था दो नए प्लांट स्पीशीज़ हैं जो वेस्टर्न घाट्स में डेवलप सॉरी डिस्कवर किए गए हैं फिम्रिस फिम्रिसलस सुनीली और नियनोटिस प्रभुई जिनको वेस्टर्न घाट्स में केरला में तिरुवंतपुरम और वायनाड डिस्ट डिस्ट्रिक्स में डिस्कवर किया गया है देखिए इसका नाम जो फिमरी स्टाइलस सुनीली है प्लांट एक्सोनोमिस्ट हैं सी एन सुनील जी उनके नाम पे रखा गया है और यहाँ पे दूसरा आप देख सकते हैं ये भी एक आ, पेरिनियल हर्ब है नियनोटिस प्रभु सीनियर साइंटिस्ट है के एम प्रभु कुमार उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है जिसको वेस्टर्न घाट्स में ढूंढा गया है डिस्कवर किया गया है राइट तो इसके बारे में आप डिटेल वीडियोस भी देख सकते हैं बट यहाँ पे भी मैंने मेंशन कर दिया ताकि स्पीशीज़ क्या न्यूज़ में रहे हैं आपको ध्यान में रहेगा याद रहेगा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज फाउंड इन से हिल्स फॉर द फर्स्ट टाइम रेड ड्रैगन फ्लाई एमरल ड्रैगन फ्लाई ब्लैक पर्चर ड्रैगन फ्लाई क्लब टेल ड्रैगन फ्लाई आप मुझे कॉमेंट्स सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम में पोल में पार्टिसिपेट करके आंसर जान सकते हैं कोर्सेज की क्वेरी के लिए वेबसाइट विजिट कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज ई एम आई पे भी अवेलेबल हैं थैंक यू सो मच